गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल मीनाक्षी शर्मा। अब हम आज हमारा जो इंग्लिश का लेसन नंबर है 5th ट्रैफिक रूल्स इन माई बुक ऑफ इंग्लिश, आज हम उसे रीड करेंगे। इसमें एक पोएम है ट्रैफिक रूल से रिलेटेड, हम उसे रीड करेंगे और ध्यान से देखेंगे। देखो, ये बच्चा है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है, गाड़ी आ रही है तो एकदम से एक्सीडेंट हो सकता था, और यहाँ पे देखो लाइट्स लगी हुई हैं, और ये जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहा है तो इट विल बी सेफ। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रैफिक रूल्स। व्हेन यू गो आउट इन टू द स्ट्रीट, इफ योर व्हीकल और ऑन योर फीट, लुक आउट फॉर ईच ट्रैफिक साइन टू कीप यू सेफ सिक्योर एंड फाइन, टू क्रॉस द रोड व्हेन यू गो वॉकिंग यूज द ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इफ अ सिग्नल चेंजेस to the color red, stop at once, don't go ahead, get ready to start when it turns yellow, green, it means now you can go, obey the rules without much fuss, and reach home safe, you are very precious. Now, अब हम इसकी हिंदी करते हैं। देखो, when you go, जब भी आप जाते हो आउट बाहर, इन टू द स्ट्रीट गली में, इन योर व्हीकल चाहे अपने व्हीकल से, और ऑन योर फीट चाहे अपने पैदल, लुक आउट फॉर ईच ट्रैफिक साइन, हर एक ट्रैफिक साइन को लुक आउट ध्यान से देखो, टू कीप यू सेफ सिक्योर एंड फाइन, अपने आप को सुरक्षित और ठीक ठाक रखने के लिए, टू क्रॉस द रोड सड़क को क्रॉस करते हुए, व्हेन यू गो वॉकिंग जब आप पैदल चल रहे होते हो, यूज द ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज करना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग कौन सी होती है बेबी? ये देखो, ये व्हाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स बोलते हैं। इफ अ सिग्नल चेंजेस टू द कलर रेड, यदि कोई भी सिग्नल रेड कलर में लाइट जल जाती है या चेंज हो जाता है, इट मीन्स स्टॉप, रुक जाओ, एडवांस, डोंट गो अहेड, आगे नहीं जाना, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, स्टार्ट, कब स्टार्ट होना है, व्हेन इट टर्न्स येलो, जब येलो हो जाती है तो तैयार हो जाओ, व्हेन इट टर्न्स येलो, ग्रीन, ग्रीन मीन्स जब ग्रीन लाइट हो जाती है, इट मीन्स नाउ यू कैन गो, जब ग्रीन हो जाती है तो इट मीन्स आप अब चल सकते हो, ऑबे द रूल्स विदाउट मच फस, अपने ट्रैफिक रूल्स को हमें ऑबे करना चाहिए बिना किसी शिकायत के, एंड रीच होम सेफ, यू आर वेरी प्रेशियस, और अपने घर पर सुरक्षित पहुंचना चाहिए, बिकॉज आप बहुत ही मूल्यवान हो, क्योंकि हर फैमिली के लिए उसके फैमिली का हर सदस्य बहुत ही मूल्यवान होता है। बच्चे मम्मी पापा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मम्मी पापा बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें जब भी सड़क पे बाहर निकलना है, चाहे गाड़ी से चाहे पैदल, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सभी ट्रैफिक रूल्स को बड़े ध्यान से फॉलो करना चाहिए बिना किसी शिकायत के, क्योंकि ये जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो सभी हमारे फायदे के लिए होते हैं। तो इसके बाद आप इन वर्ड मीनिंग्स को याद कर सकते हो। साइन मतलब होता है सिंबल, एक प्रतीक, कि कोई साइन जैसे कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट, ये चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए कि जैसे हमें रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे चलना है, येलो पे हमें रुकने या चलने के लिए तैयार होना है। सेफ मतलब अपने आप को सुरक्षित रखना, अहेड मीन्स आगे, टर्न्स मैंने बदलना, ठीक है ना, लाइट्स बदलती है ना, कभी ग्रीन कभी रेड कभी येलो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। ऑबे मतलब कि हमें पालन करना चाहिए, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें कुछ भी कहते हैं तो हमें उन चीज़ों का पालन करना चाहिए, उनके ऑर्डर्स का पालन करना चाहिए, टीचर्स कुछ कहते हैं उनका कहना मानना चाहिए, और इसी तरह से जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, उनका भी पालन करना चाहिए। फर्स्ट होता है कि हमें शिकायतें होती हैं, ऐसे क्यों कर दिया, सड़क पे ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो वो जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं यदि हम उन्हें फॉलो करते हैं तो वो हमारी ही हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को सेव करने के लिए, तो हमें उनके बारे में कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। प्रेशियस होता है मूल्यवान, यानी कि आप बहुत वैल्यूएबल हो, आप बहुत ही मूल्यवान हो अपनी फैमिली के लिए, तो आप अपनी लाइफ को सिक्योर रखो, सेफ रखो और सुरक्षित रखो, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। इसके आगे देखते हैं हम, यहाँ पे फिलअप्स हैं, ठीक है। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन मीन्स आपको
यहाँ पर ए बी सी थ्री ऑप्शंस दिए गए हैं और आपने इनमें से सही चूज करके इनको फिल करना है. लाइक व्हेन, व्हेन मैंने जब यू गो आउट लुक आउट फॉर ट्रैफिक साइंस. हाँ, जब भी आप बाहर जाते हो तो आपको क्या देखना है, ट्रैफिक साइंस. तो आपने यहाँ पे ट्रैफिक साइंस लिखना है विद स्पेलिंग और इसे याद भी करना है अच्छे से. टू क्रॉस द रोड, सड़क को क्रॉस करते हुए यू शुड यूज, जब हम सड़क को क्रॉस करते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग यूज करनी चाहिए जहाँ पे वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं. तो इट मीन्स यहाँ पे सड़क को क्रॉस करते हुए जेब्रा क्रॉसिंग यूज होनी चाहिए. यू शुड स्टॉप, स्टॉप मैंने रुकना. व्हेन द सिग्नल चेंज टू येलो ग्रीन और रेड, तो किस पे रुकते हैं हम, रेड पे. तो जब रेड हो जाती है लाइट तो हमें रुकना होता है. ग्रीन सिग्नल मीन्स गो, जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है मीन्स हम चल सकते हैं. योर लाइफ इज शॉर्ट लॉन्ग और प्रेशियस, इनमें से क्या है, हमारी लाइफ छोटी है लंबी है या मूल्यवान है, मीन्स अवर लाइफ इज प्रेशियस. तो यहाँ पे आप प्रेशियस वर्ड यूज करोगे. इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास है मैचिंग्स. मैचिंग्स में क्या है, मैच वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी. तो कॉलम बी में उनके अपोजिट्स हैं, वन हैज बीन डन फॉर यू. लाइक अप का डाउन, ये एक अपोजिट है. तो लेफ्ट, लेफ्ट का क्या होता है, राइट. लेफ्ट का राइट. नियर होता है नजदीक, तो फॉर मीन्स दूर, तो नियर का फॉर. इसी तरह से आउटसाइड, आउटसाइड बाहर, तो घर के अंदर. आउट का अपोजिट इन होता है, तो आउटसाइड का इनसाइड. तो ये देखो हमारे पास इनसाइड यहाँ पे है. बिलो, बिलो मीन्स नीचे, अबव मीन्स ऊपर. तो यहाँ पे हम बिलो को अबव से मिलाएंगे. उसके बाद फ्रंट, फ्रंट मैंने सामने, तो फ्रंट का उल्टा बैक, पीछे. हमारे पीछे कोई खड़ा होगा तो उसे बोलेंगे बैक साइड में, ठीक है ना. तो फ्रंट का अपोजिट हुआ बैक. तो आपने इसको अपनी कॉपीज पर भी लिखना है और इसे अच्छे से लर्न करना है, ठीक है. तो अभी आज के लिए हम इतना करते हैं, इसे बड़े ध्यान से करना. नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद करेंगे. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अच्छे से अपनी स्टडी को घर बैठे ही बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए सुरक्षा के साथ पढ़ना है.